एशिया टेलीकॉम की तरफ से आज आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम की फेसबुक पेज से लाइव क्लास। आज हमारा MMC क्लास चल रहा था और ये क्लास के एंडिंग टाइम है हमारा 7:30-8 बज रहा है, ये घड़ी देख सकते हैं। तो आज कौन सा दिन था? आज UFI की चौथा दिन। yes, चौथा दिन में आपने कितना UFI को पढ़ लिया? लगभग कम्प्लीट हो चुका है आपका। yes, आज आपने जो सीखा है, आज आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग सीखा है, 90% कंज्यूम सीखा है, हेल्दी पोर्ट डेरिवेट सीखे है, SLC क्या है वो सीखे है, MLC क्या है वो भी सीखे है, है ना, फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है वो भी सीखे है। और मैं बात करूं, अगर बात करूं कि सर पैक फाइल कैसे राइट करना है और OFP फाइल किस तरीके से राइट करना है, या 90% कंज्यूम किस तरीके से, सेफ जोन किस तरीके से है, कितनी सेफ जोन से हम, देखो जो भी करेंगे ना हम लाइव करेंगे, पीठ पीछे तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात, कुछ है पीठ पीछे क्या? नहीं सर। ठीक है, तो सर बात करें SLC MLC जितने भी हम सीखे हैं आज, सबको क्लियर है क्लास? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर आप जितने भी फोन हमने किए हैं वो लाइव किए हैं या पीठ पीछे किए हैं? लाइव, एकदम लाइव। सच बोल रहे हैं ये? यस सर। अच्छा चलो, और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी 4 दिन की क्लास या इससे पहले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जितनी भी क्लास हुआ था वो भी क्लियर है आपको? यस सर। बाकी आपकी मेहनत है? यस सर। आपको बेस्ट से मेहनत करना है? यस सर। अब हम एशिया टेलीकॉम जो भी करवाता है सामने करवाता है, लाइव से ही करवाता है, लाइव है ना, कुछ भी पीछे नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट देख लीजिए क्लास की, हो सके लाइव आ जाए लेकिन एंडिंग टाइम में कभी भी लाइव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा लाइव, क्योंकि हो सकता है किसी का सेट बना है किसी का सेट नहीं बना है, क्योंकि सर हम लाइव करते हैं और जो जेन्युइन है वही चीज दिखाते हैं, है ना, जो जेन्युइन है। अच्छा UFI क्लास की अगर मैं बात करूं, एक IC कनेक्ट होने के बाद हर एक इंफॉर्मेशन आप रीड कर पाओगे? यस सर। हर एक इंफॉर्मेशन की मतलब क्या है जानते हो? यस सर। कि सर ये शो कर रहा है तो ये क्या है, ये शो कर रहा है तो क्या है। अच्छा चलो, कल हमारा चेंजिंग की क्लास कल से शुरुआत होगा कि EMCIC कैसे चेंज करे या EMCP कैसे चेंज करे विथ नेटवर्क के साथ, मतलब विथ नेटवर्क के साथ कैसे चेंज करेंगे नेटवर्क के साथ। कस्टमर को हो सकता है, बहुत सारे फोन ऐसे हैं, बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं कि हम चेंज तो हो जाता है लेकिन बाद में नेटवर्क नहीं आता है, या कैमरा उल्टा आने लगता है, या ऑडियो नहीं आने लगता है, ठीक है ना, बहुत सारे चीज है। हम विथ नेटवर्क EMMC चेंज सीखेंगे, ठीक है, विथ नेटवर्क, है ना, वो कल की क्लास है। आज की क्लास में जितने भी हम सीखे हैं, या कितने फोन बनाए? 4 फोन बनाए। yes, चार फोन बनाए ना? yes, एक हमने किए हैं, बाकी सब आप लोग खुद से किए हो? yes, सबके सामने। yes, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप लोग सीखते रहिए और देखते रहिए हमारे फेसबुक पेज। अच्छा चलिए, अगर मैं बात करूं, अगर कोई बंदा यहाँ MMC क्लास करने चाहता है या फुल कोर्स करना चाहता है, उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा ये तो चीज आपको मैं जबरदस्ती करके नहीं बोल रहा हूँ सर, आपको कमीशन दूंगा ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। हम ये एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट है जो एंडिंग के टाइम पे हम रिव्यू ले रहे हैं, विथ आपकी इनकी जो क्लास खत्म होगी जिस दिन, उस दिन भी आपको रिव्यू दिखाऊंगा, और MMC चेंज की क्लास के बाद भी मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा, है ना, हो सके हम चेंजिंग क्लास में लाइव आ जाए, लाइव भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज दिखाएंगे, ठीक है। चलो आप बताओ कुछ खास चीज यहाँ पे, जो पहले से UFI कौन कौन कर रहा था, पहले से UFI कौन कौन, हाथ उठाओ, पहले से UFI कौन, आप और कौन, थोड़ा बहुत अभी किसको आता है, अभी किसको आता है, सबको आता है। चलो अच्छा, मैं जो पहले से UFI करता था, अगर करते हो जो करते हो थोड़ा बहुत करते थे आप, आपका नाम बताओ? अरुण कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। कितने दिन से UFI करते थे? एक साल से UFI करते थे, अभी आके अपने MMC क्लास ज्वाइन किया UFI के बारे में, आपको कितना अंतर लगा? सर बहुत अंतर, मैं कुछ पहले कुछ नहीं करता था, किस फाइल से क्या होता है वो मैं जानता ही नहीं थे। अच्छा, अब तो फाइल के बारे में नॉलेज है, कौन सा फाइल क्या काम करता है वो सब जानकारी है मुझे।
मैंने मतलब हर एक यूजर पार्ट में जो इतने भी पार्टीशन है, नॉर्मल फाइल, क्रिटिकल फाइल, सिक्योरिटी फाइल, ये सारे फाइल की नॉलेज है। कौन सा फाइल क्या काम करेगा, आईएमई की फाइल कौन सा है, बेसमेंट की फाइल कौन सा है, क्रिटिकल फाइल कौन सा है, ये सारी चीज पहले नॉलेज था आपको? नहीं सर। अच्छा, ये सारी चीज मैं अगर बात करूं, आपसे बात करूं, ये सारे चीज क्या यूट्यूब से देख के सीख पाएंगे कभी? नहीं। आप सब लोग बताओ, कभी भी सर यूट्यूब में देख के इस तरीके से इस वजह से तो कभी ना सीख पाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ एनएमसी क्लास में बात करें कि समझाने का तरीका कैसा, समझ में आता है सबको? समझ में आता है? हम कोड के हिसाब से काम करते हैं, जो कोड हमारे सीक्रेट है, है ना? तो ये बहुत आसान सी चीज है सर। आप जैसे आए थे यहाँ, मैं बात करूँ, आप लोग जैसे आए थे, आपको एमएमसी क्लास कैसा? बहुत हार्ड लगा था? यस सर, बहुत हार्ड लगा था। हार्डवेयर इतना टफ है तो एमएमसी कितना टफ होगा? यस सर। अब क्या लगा? बहुत आसान है ना? यस सर। कुछ है इसमें? सर कोड वाइज चले तो हमारे पास बहुत आसान है, बहुत आसान है ना? यस सर। तो या चलो ठीक है, और एक और किसे पीछे राजा, आप कहाँ से हैं? त्रिपुरा से। आपकी बात करूं तो त्रिपुरा से आप आए हैं। अगर मैं बात करूं राजा जी, आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? सर पहले थोड़ा बहुत दिक्कत थी, लेकिन अभी सब समझ में आ गया, मतलब कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, आप लोगों को बताओ, यहाँ पे जो भी सर है, जो भी पढ़ाते हैं, आपको कितनी बार पूछते हैं कि सर डाउट? सर हमें याद नहीं, आप कितनी बार पूछते? आपको डाउट क्या है? Yes, कितनी बार पूछते हैं? बहुत बार सर। कोई डाउट है, ऐसा कोई डाउट है जिसको क्लियर नहीं किया जाता है, ऐसा कोई डाउट है क्या? नहीं सर, हर एक डाउट को क्लियर किया गया। Yes, sir. वो भी समझ के या ऐसे ही बता दिए, बाद में बताएंगे? इग्नोर तो नहीं किए? हर एक वर्ड और एक बात जितने भी आप बताए हैं, हर सारे आंसर दिए गए हैं और समझ के कि किस तरीके से करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच इसे टेलीकॉम के हमारे फेसबुक पेज लाइव देखने के लिए, और हो सके हमारे दिए गए नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा उसको नंबर से कॉल कीजिए, और हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए एमडी सर को कॉल कीजिए या हमारे फातिमा मैडम को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करें। अच्छा ये बताओ, ज्वाइन करने के बाद प्रॉफिट है या नहीं है? प्रॉफिट है। इसमें काम कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे ना? थैंक यू वेरी मच। अब देखो, नॉर्मल हो गया है, तो जीबी हो गया है, जीबी हो गया है ना? अब राइट, राइट आप कहीं से भी कर सकते हो। अब 8A क्या, 8A क्या फ्लैश फाइल से राइट नहीं होगा क्या? सॉरी, यूएसबी से राइट नहीं होगा क्या? हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, ये आपका चैनल, और दोस्तों ये यहाँ पर एमएमसी की हमारी क्लास चली है, एमएमसी प्रो जिसको हम कहते हैं। ये जो सेक्शंस होते हैं दोस्तों, ये दो तरह के स्टूडेंट अटेंड करते हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमएमसी फुल कोर्स अटेंड करते हैं, और जो डायरेक्टली एमएमसी करने आते हैं वो भी इसी क्लास को अटेंड करते हैं। दोस्तों हमारा एक यूएसपी होता है, हमारा पढ़ाने का एक तरीका होता है, सिलेबस हमारा कंटेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी इंस्टीट्यूट के तुलना में, क्योंकि हमारा 10-15 दिन का कोर्स नहीं, पूरे एक महीने का कोर्स है और 12 घंटे की क्लासेस रहती है हमारी ऑलमोस्ट। और हम स्टूडेंट को जितने जो बाकी लोग दावा करते हैं कि 6-8 घंटे प्रैक्टिकल देते हैं, उतना हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देते हैं। मतलब आप सोचिए कि कितना उनको कुछ मिलता है यहाँ पर, और डीपली लेवल पे यहाँ पर सिखाया जाता है, उन्हीं के मोबाइल पे उन्हीं को रिपेयर करके उनको दिखाया जाता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेड फ़ोन पे आपको बताया जाता है। आपने ऑलमोस्ट यहाँ के बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें देखा होगा स्टूडेंट अपने मोबाइल खुद बनाते हैं यहाँ पर, और हम उनसे खुद ही बोलते हैं जितने हो सकते हैं अपने फॉल्टी फ़ोन लेके आइए, और डायग्नोसिंग सबसे ज़्यादा मेन है, डेड फ़ोन की डायग्नोस कैसे करते हैं। हर स्टूडेंट को यहाँ पर सब तरह की सुविधा, पूरी एडवांस लैब के साथ में हर तरह की स्टेंसिल्स हमारे पास होती हैं, कोशिश करते हैं कि हर तरह की आईसी हम उनको दिला सकें, अगर उनके फ़ोन में किसी प्रकार के भी अगर आईसी से लेकर दिक्कत है, और उसका पैसा भी हम नहीं लेते हैं। बहुत से लोग आईसीओ का पैसा ले लेते हैं, स्टूडेंट के फ़ोन बनाने का तक पैसा ले लेते हैं, और जो फ़ोन जाने के बाद भी स्टूडेंट भेजते हैं बनाने के लिए वो भी पैसा लेते हैं, जबकि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हम यहाँ तक कि अपने सब्सक्राइबर से जो फ़ोन आते हैं उनसे तक भी कोई
पैसा किसी प्रकार का बनाने का नहीं लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर MMC में आप बहुत डिटेलिंग सीखेंगे अगर आप MMC का कोर्स अटेंड करते हैं तो। अगर आप को लगता है कि आपका हार्डवेयर वीक है और सॉफ्टवेयर में थोड़ा नॉलेज है तो आप पूरा कोर्स अटेंड करो। और अगर आपको जिसमें आपको हॉस्टल मेस सब की सुविधा मिलेगी और डुअल डेकर CPU प्लस NAND प्रोग्रामिंग और जो बोर्ड होगा दोस्तों वो भी हमारी तरफ से ही मिलेगा। जो आपको सैमसंग का डबल डेकर जो CPU होगा वो क्लीनिंग प्रोसेस भी आपसे करवाई जाएगी। आपको कुछ भी लेके नहीं आना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर हो सके तो लैपटॉप अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप अपने लैपटॉप में आप प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें खुद प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं एक टीचर के समझाने के बाद क्लास के बाद अपनी प्रैक्टिकल सेक्शंस में और अपने फ़ोन बनाने में आपको जो कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी उसमें। हालांकि हमारे पास भी सिस्टम होता है, उसमें भी अपना फ़ोन लगा के वो कर सकते हैं और करते ही हैं स्टूडेंट। दूसरा यहाँ पर GR बनाना आपको सिखाया जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे GR बनाए और अगर पैड उखड़ जाए तो माइक्रो जंपर कैसे लगाएं। और ये सारी जितने भी स्टूडेंट दोस्तों बैठे हुए हैं ये इसमें से 90% स्टूडेंट फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर जिन्होंने काम नहीं किया दोस्तों। क्योंकि देखो ये लोग हमसे बोल के भी आते हैं कि सर हमें 5-6 साल का अनुभव होता है, पर ये लोग काम क्या करते हैं, फोल्डर चेंज करना। आप भी जानते हैं कि आपका काम कोई ज़्यादा है नहीं, फोल्डर चेंज करना या ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्टर बदल लेते हैं या किसी IC को रिबॉल करके लगा लेते हैं, वो भी बहुत दिक्कत में है। CPU तक को आप काम नहीं करते या आपने कभी लाइफ में भी IC पर काम नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर जनरली हम उन्हीं स्टूडेंट को ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ICO पे भी काम कर लेते हैं पर ब्लैक पेस्टेड पे काम नहीं कर पाते। बहुत से लोग होते हैं जो ICO पे काम कर लेते हैं पर उनको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती है, डेड मोबाइल कैसे डायग्नोस करें नहीं आता है, कौन से वोल्टेज किधर आ रहे हैं ये उनको समस्या आती है। MMC में भी बहुत सारी दिक्कत आती है जो कि ऑनलाइन पढ़कर आ जाते हैं। अब आप भी जानते हैं ऑनलाइन एक हवाबाजी का कोर्स होता है और ऑनलाइन में वो पढ़ने के बाद जब वो किसी सेट को नहीं बना पाते हैं और फिर उन्हीं का टीचर उन्हीं के सेट को बनाने के पैसे लेता है तो आप सोचिए कि वो किस तरह की संस्थान होगी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का पैसा या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सेट कोई एक मेजर फॉल्ट भी होता है तो वो पहले आपको डायग्नोस करना होता है, एटलीस्ट डायग्नोसिंग आपको पूरी आनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर का ऐसा फंसा हुआ फ़ोन है तो उसको भी बनाने के हम पैसे नहीं देते हैं। और क्योंकि क्या होता है फ्रेशर की भी एक लिमिट होती है फ़ोन बनाने की, वो भी अपनी क्योंकि धीरे धीरे वो ही सीखता है और सीखने के बाद वो एक्सपर्ट बनता है। आप देखे होंगे Acer टेलीकॉम के बहुत सारे स्टूडेंट मार्केट में जाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के फ़ोन बना रहे हैं। और दोस्तों हमारा नाम एक ब्रांड की तरह है और इंडिया में, और बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो अभी नए खुले हुए हैं देखो उनको ना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। वो एक टेक्नीशियन है, वो कुछ फ़ोन बनाकर अगर उनको फ़ोन बनाना आता भी है तो ये एक अच्छी बात है, बट एक सिखाना एक अलग लेवल होता है। क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेन करना इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान क्योंकि हो सकता है वो कहीं से सीख कर कहीं आकर आपको पढ़ा रहे हो तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हर स्टूडेंट के पास में उसका माइक्रोस्कोप और उसके जो भी एक एडवांस लेवल के हमने उसको इक्विपमेंट दिए हुए हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी लेकर नहीं आता, सिर्फ अपने डेड फ़ोन या फॉल्टी फ़ोन जो कि डिस्प्ले चार्जिंग लाइट नेटवर्क। और देखेंगे आपकी अगले बैच में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको देखना है तो फेसबुक पर जाइए और Acer टेलीकॉम सर्च कीजिए, वहाँ पर हम बहुत सारे अपने वीडियो के लाइव डालते हैं, क्लासेस के वीडियो लाइव डालते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में केवल हम हैं जो लाइव क्लासेस डालते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइव क्लासेस डालना एक हंसी मजाक का काम नहीं होता है। डेली अपना आउटपुट दिखाना, स्टूडेंट की शक्ल दिखाना, क्योंकि इसमें लोग डरते हैं और बहुत से लोग बहाना बनाते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को छुपाते हैं ये वगैरह वगैरह, पर ऐसा होता नहीं है। जबकि लाइव क्लास दिखाना एक मजाक नहीं होता है, जो कि सिर्फ इंडिया में अभी फ़िलहाल Acer टेलीकॉम कर रहा है। आप आइए और एडमिशन बुक कराइए अपना। 28 सितंबर की अभी बैच हमारी ओपन है और आपको अगले महीने का ही बैच मिल जाएगा। आप अपना एडमिशन बुकिंग कराओ और यहाँ आओ। और दोस्तों हम किसी भी प्रकार का इस तरह का फालतू या वादा नहीं करेंगे कि आपको 100% जॉब गारंटी, क्योंकि हमारा काम आपको ऑनर बनाना है आपके दुकान का। और हमारा काम है कि अगर आपको नहीं आता तो इतना आपके अंदर जोश और कॉन्फिडेंस भर देना है कि अगर किसी भी IC कस्टमर के सामने भी खड़े होकर आप निकाल सकते हो और किसी IC को भी रिवॉल्व कर सकते हो। और अच्छे से अगर आप सीखोगे इस कोर्स को और मन लगा के आप यहाँ पे मेहनत करने के लिए आओगे तो दोस्तों आप बहुत आगे जा सकते हो इस फील्ड में। इस फील्ड में बहुत कैरियर है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। और
इस फील्ड को ज्वाइन करने वाले के लिए एक अनलिमिटेड जैसे होता है ना अनलिमिटेड ऑफर्स खुल जाते हैं लाइफ के, क्योंकि उसको बहुत कुछ करने को रहता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, हर एक सेक्शन से यहाँ पे बटे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि सुबह सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं शाम को हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं। सॉर्टिंग हाफ सॉर्टिंग की ही खुद की सिर्फ 4 दिन की क्लासेस है, आप सोचिए 4 दिन में आपको सिर्फ डायग्नोस करना और ये सब करना सिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट में तो 4 दिन में ही पूरा आधा कोर्स ख़त्म कर देते हैं। हर चीज़ आपको प्रॉपरली यहाँ पे सिखाई जाती है जो कि आपको मिलेगी इस टेलीकॉम में। थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन करें आज। मेरे साथ बोलो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। Thank you, Dasha. Thank you so much.